सारे JKSSB भी एस्पिरेंट्स है, नोटिफिकेशन नंबर 2 of 2021 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन. सर हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2021 में कंडक्ट हुआ है. सिंस इट इज़ 2023 एंड हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है. सर इस पर जो थी इस पर लिटिगेशंस थी बहुत सारी, लेकिन हाईकोर्ट जो है वो क्लियरली, हम आपको जजमेंट दिखा भी सकते हैं, हाईकोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दी है उन्होंने वो दिया है, ब्रीफ किया है इसमें JKSSB को कि आप जो है इसको कॉन्क्लूड कर दीजिए सिलेक्शन प्रोसेस को एज सून एज पॉसिबल. सर लेकिन हमारी लिटिगेशन डिसॉल्व होने के बाद भी डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. बार बार ये हमें यही बात बता रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, विच इज़ वी आर बिजी विद द एग्जाम्स एंड वी कैन नॉट मेक द सिलेक्शन लिस्ट साइमल्टेनियसली, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. अगर ये खाली एग्जाम्स कंडक्ट करते रहेंगे, दो दो साल तक लिस्ट नहीं निकलेगा, तो फिर उस एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा है? सर GMCs में जो ऑलरेडी GMCs में एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस जिसको कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ बोलते हैं वो काम कर रहे थे वहाँ पर एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे. उन्होंने लिटिगेशंस ये लाई थी कि आप इनके लिए जो एडवर्टीजमेंट आपने निकाली है परमानेंट रिक्रूटमेंट, इनकी जगह पर आप हमें रेगुलराइज करें, जो कि क्लियरली अगेंस्ट द एफिडेविट था जो वो दे रहे थे. और हाईकोर्ट ने हमारे हक में जजमेंट दिया दैट दे कैन नॉट बी रेगुलराइज. कैट से भी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट ने उन्हीं का डिसीजन अपहोल्ड किया. सर हमने 2021 में एग्जाम दिया है, अभी तक 1.5 साल से अब वो होने वाला है अब, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट का कुछ ये नहीं. सर 1000 मीटिंग्स की, 1000 रिक्वेस्ट किए, 1000 प्रोटेस्ट किए. आजकल करंट इनका जो रीज़न है वो यही है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, लेकिन वो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना. अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको पिछले लिस्ट पे भी काम करना है. व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट? यू आर कंपाइलिंग द एग्जाम्स एंड यू आर नॉट एबल टू कंपाइल द. सर 1444 स्टूडेंट्स हैं हम लोग. सर अब हमारा डिमांड ये है कि अगर ये इतना टाइम गैप इनको देंगे, आप देखिए GMCs की तरफ से कैसा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहे हैं वो. HODs उन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस के जो है ये देखिए आप, HODs बार बार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको, इनके हक में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि उनको कंसिडर कीजिए. आर नॉट दे गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट? दिस इज ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जजमेंट, वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं. Look at it.